मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। हम आउटर से बोल रहे हैं, मालेगांव शहर, दयाना शिवार आउटर। ये देवी का मल्ला, दयाना शिवार, रमजानपुरा और अपने क्या अपन और मालदा शिवार, ये सब मिलाकर पूरे आउटर पे हम और 24 का ये मतदान है और ये हमारा मतदान बहुत खास है और ये वोट हमारा देना बहुत जरूरी है, जमहूरियत हक है। लेकिन मेरे मालेगांव शहर के लोगों से, मेरे भाइयों से, नौजवान बच्चों से, मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि हमारा एक वोट बहुत कीमती है और ये वोट को हमें बहुत सोच समझ के देना चाहिए, किसे देना और किसे नहीं देना है। जो हमारी कौम को नुकसान देता है, जो हमारी कौम से नफरत करता है, जो हमारे मस्जिदों को आबाद रखने से नफरत करता है, जो हमारे मौजूदों से नफरत करता है, ऐसे लोगों को हमें आईना दिखाना है और ऐसे लोगों को हमें सबक सिखाना है। जो आज कल नीतीश राणा ने, जो भी एक पालक मंत्री के बीजेपी के MLA हमें खुले आम चुनौती दे रहे, खुले आम धमकी दे रहे कि हम 2024 के इलेक्शन में 23 तारीख को हम जीतने से ही पूरे महाराष्ट्र के लाउड स्पीकरों को निकालेंगे और मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। ये ऐसे बीजेपी के लोग है तो हमें ये जो पालक मंत्री है आउटर के, हमने इनको 20 साल से जीत कर लाया है, 20 साल हमने इनको जीता लेकिन इन्होंने हमारा कोई काम नहीं किया। आज पूरे रमजानपुरे में, मालदा शिवार में विजिट कर लो आप, कहीं आपको कहीं दादा मुझसे का और कहीं वो पालक मंत्री का काम नजर नहीं आएगा। इन्होंने हमारे तरफ जो शादी हॉल है, आज मेरी माँ बहने सड़कों पर मंडप लगा के शादी कर रहे हैं और नहीं तो हमको मालेगांव शहर में जाना पड़ता है शादी करने के लिए हमारे बच्चों की। इन्होंने एक हॉल बना कर नहीं दिया हमको, हमें एक ऐसी स्कूल नहीं, ऐसा कोई इन्हें एक हॉस्पिटल नहीं दिया, तो ये हमसे इतना धोखा कर रहे हैं, इतना विश्वासघात कर रहे हैं हम मुसलमानों से, तो हमें इनको बिल्कुल वोट चुनकर नहीं लाना है। और हमें सिर्फ और सिर्फ अभी जो हमारे साथ है, जो हमारे हमारी कौम को लेकर चलेगा वो आदि रहे और आबा ही रहे। हमें मशाल को चुनकर लाना है और सिर्फ मशाल का बटन दबाना है जो हमारे हक में है, वही हमारा साथी। हमें ये बात भूलना नहीं है, जो आजाद लड़ रहे हैं, जो आज बंडू काका के साथ है, उनका साथ दे रहे हैं, ये आजाद वाले जो है, ये काका के लोग है, ये पलक मंत्री के लोग है, ये उनके रिश्तेदार है, ये इनसे जरा बचो, अपने जमीर को मत मारो, अपने बच्चों का भविष्य इनके हाथ में मत दो। जो अपनी कौम का गद्दार है उन्हें आईना बताओ और ऐसे लोगों का साथ मत दो। आपका दिल कैसे गवारा कर रहा है, जो हमारी कौम के साथ नहीं है वो हमारे साथ नहीं है, ऐसा एक मिजाज बनाओ। तो कोई ऐसी सहूलत नहीं है, होटल हो के हम यहाँ पे कुछ वो नहीं है, दादा भूसिया हमेशा आते अपना काम कुछ करते नहीं है, ये खड्डा है, ये खड्डा उलझना पड़ता है औरतों को, पानी भर जाता है उलझना पड़ता, बारिश में तो पूरा भर जाता, पूरी रोड गट्टा एक साथ रहती खड्डा, कुछ सहूलत नहीं है यहाँ पर, रोड भी नहीं है, गड्ढा है, गुड्डा है, पूरा चले तकलीफ होती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं यहाँ पे ना शादी हॉल है, ना कोई सहूलत ऐसी, ना गटर लाइन की है, कोई चीज सहूलत नहीं है इधर। मतलब अभी आज एक बूढ़ा गिर गया था बेचारा, वहाँ पानी पूरा जमा हो गया। जैसे और भी वार्ड है ना, चमचमाता हुआ दिखता, गडरे साफ रहती है, बच्चे साफ रहते हैं, तो हमारा महल ही गंदा है, जमीन गंदी है, तो बच्चे कैसे दिखेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे महल में काम करेगा उसको चुनकर भारी अक्सरियत दिलाएंगे। नहीं किए हमने, कायदा पे वो म्यूनसिपल पर्सनल पे भी गए धरना लेके, मगर आज भी कुछ नहीं हुआ। हमारे पैसे का मोहरम डलाए, औरत गिरी, आदमी गिरे, दवा खाने में ले जाना पड़ा और आज भी वैसे ही किच्चड़ है।
मैं रमजान पूरे वार्ड से बोलना चाहती हूँ कि यहाँ हमको आने के लिए 25 साल गुजर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ना रोड है ना गटर है। हमने खुद अपने पैसे मिला करके अपने घरों घर घर से हमने गटर बनाई और ना रोड का पता है ना गटर का। सिर्फ वो दादा भूसे साहब आते हैं 20 साल से, हर 5 साल में एक बार आते हैं और रिपीट करते हैं और देख के चले जाते हैं और कोई मसला हल नहीं करते। और उनके वार्ड में जा करके देखो तो कोई बात की उनके वार्ड में तकलीफ नहीं है। क्या हम इंसान नहीं है? ये जानना चाहते हैं, आप भी एक इंसान हो, हम भी एक इंसान है, अपना मजहब अपना धर्म अपनी जगह है, लेकिन आप तो एक इंसान हो, इंसानियत पे आप साबित करो कि हम एक इंसान है। आप इंसानियत भी साबित नहीं कर सकते हो, आप इतने कम और छोटे दिल के लोग हो, आप इतनी छोटे दिल की पार्टी है कि वो भेदभाव करती है। मुसलमान ये जमहूरियत हिंदुस्तान है, जमहूरियत सहे यहाँ पर हर तरह हर किस्म हर जाति के लोग रहते हैं, यहाँ पर हर चमन का फूल खिलता है। ये हिंदुस्तान है, ये जमहूरियत है, यहाँ सबको आवाज उठाने का और बोलने का अधिकार है। इसके लिए मैं ये कहती हूँ कि ऐसी पार्टी को चुन के लाना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, जो जात धर्म पर जाता है, जो मुसलमानों को उनसे नफरत करता है, उनको तकलीफ देता है। ऐसी पार्टी को चुन के हमें नहीं लाना है। हमें जो इंसान हीरे बाबा जो खड़े हुए हैं यहाँ ये इस वाल्डो से, हमें वो सब जाति सब धर्मों को लेकर चलने वाले इंसान है, हमको उनको चुन के लाना है। और जो उम्मीदवार से जो भी खड़े हैं, आप खुद समझो जो बीजेपी से वास्ता रखते हैं, इन्हें हमको चुन के कतई नहीं लाना है। आप महाराष्ट्र को और अपने मालेगांव को अच्छा मुस्तकबिल दो, अच्छे इंसान को चुन के लाओ तो अच्छा मुस्तकबिल होगा। यहाँ पर अगर गलत एक फैसला अगर आपने कर लिया है, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आपसे बुजुर्गों आपसे ये गुजारिश है मेरी कि वोट दो तो सोच समझ के और अच्छे इंसान को वोट दो, नहीं तो 5 साल तक आपके बहुत बुरे हाल होने वाले हैं।